नमस्कार, दिनभर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा पहुंचे पुष्कर, धन्यवाद रैली कर जनता का किया शुक्रिया। भारतीय युवा शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रोड शो, पार्टी अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। नाले के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 25 से ज्यादा लोग घायल। और फिरासत दबंग ने जीता यूनिवर्सल प्रीमियर लीग का खिताब, विजयी टीम को दी गई 51,000 रुपए की इनामी राशि। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुष्कर की कपड़ा फाड़ होली को लेकर असमंजस समाप्त हो गया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच पिछले कई दिनों से इस होली आयोजन के स्थान को लेकर गतिरोध बना हुआ था, जो अब सुलझ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष और अलग पहचान के लिए प्रसिद्ध पुष्कर की कपड़ा फाड़ होली के आयोजन के स्थान को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया। पुष्कर नगर पालिका कार्यालय में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, तहसीलदार विमलेंद्र राणावत, तीर्थ पुरोहित संघ के संयोजक श्रवण पाराशर, पार्षद महेश पाराशर, होटल व्यवसायी और पुरोहितों समेत कई लोग मौजूद रहे। नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं, पुष्कर की होली बहुत सम्मानजनक रूप से लोगों में प्रचलित है, लोगों में इसके प्रति बड़ा उत्साह रहता है इस होली के प्रति। तो उसी को लेके मीटिंग रखी गई थी कि भाई व्यवस्थाएं सुचारू रहें, लोगों का जो परंपरागत तरीके से होली मनाते आए हैं वो उसी रूप में मनाए हैं, लेकिन जो थोड़ा सा किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो होली के माहौल में, जैसा होली का माहौल होता है उसमें कई बार कुछ ऐसी बात घटित हो जाती है जो चिंता का विषय बन जाती है और किसी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। तो उसी को लेके था कि भाई विशेष रूप से, वैसे सभी लोग यहाँ जैसा आपने देखा मीटिंग में सभी वॉलंटियर की तरह काम करेंगे, ऐसा वो करते आए हैं और आगे भी उनका यही है कि साहब हम खुद व्यवस्था बनाने में ही जो है सहयोग करते हैं, तो सभी लोग जो है व्यवस्था बनाने में सहयोग देंगे, व्यवस्था खुद बनाए रखेंगे। बाहर के जो काफी लोग आते हैं यहाँ, तो उन लोगों को भी इसी तरह का एक मैसेज दिया जाएगा और उनको ये चीज शुरू में ही बता दी जाएगी कि भाई इस होली का आनंद तो लें, लेकिन किसी तरह की कोई अव्यवस्था या जो है किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ऐसी नहीं हो। अंत में निर्णय क्या हुआ, किन जगह पे मनाई जाएगी? हाँ नहीं, पहले दिमाग में एक बात ये आई थी कि भाई कहीं खुले में इस चीज को आयोजन किया जाए, मेला मैदान में या ऐसी जगह, लेकिन चूंकि जैसा सभी ने इस चीज को बताया कि साहब उसका अर्थ ही नहीं रह जाएगा, कोई आनंद ही वो जिस तरह से परंपरागत रूप से बनाते आए हैं उसी में है, तो फिर वो उसी परंपरागत रूप से ही बनाई जाएगी। कहाँ कहाँ मनाने का निर्णय? ये वरा चौक और ब्रह्म चौक दो जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा और सभी लोग, पूरी पुष्कर नगर पालिका और पूरे पुष्कर वासी, मतलब सभी इसके लिए उत्साहित है और सभी पूरा सहयोग इसमें देंगे, ऐसा मैंने भी विनय मंडल निवेदन किया है, ऐसा खुद स्वयं उन्होंने भी मतलब इस चीज के लिए कहा है कि साहब ये पुष्कर के मान सम्मान की बात है, तो वो पूरा उसी हिसाब से इसका आयोजन किया गया। विचार विमर्श के बाद सर्वसहमति से फैसला लिया गया कि कपड़ा फाड़ होली मनाने का स्थान नहीं बदला जाएगा। दरअसल मामले ने उस सूचना के बाद तूल पकड़ना शुरू कर दिया जब लोगों को पता चला कि इस बार प्रशासन मेला स्टेडियम में सामूहिक रूप से होली का आयोजन करवाना चाहता है। इस पर लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा और उन्होंने प्रशासन से इसका विरोध किया। इन लोगों का मानना है कि पुष्कर की कपड़ा फाड़ होली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब पहचान बना चुकी है। जिसके कारण पुष्कर में पर्यटन बढ़ा है।
इसका फायदा शहर को भी हुआ है, इसीलिए आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सभी के विचार जानने के बाद फैसला लिया गया कि कपड़ा फाड़ होली हर साल की तरह बराह घाट चौक और ब्रह्म चौक पर ही मनाई जाएगी। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि ड्रोन कैमरे से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले से ही पुष्कर सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि ब्यावर गैस घटना के बाद से प्रशासन हर मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, जिससे हादसे की कोई संभावना ना बचे। पुष्कर से रमेश चंद कुमावत की रिपोर्ट। महावीर विकलांग सहायता समिति अजमेर मार्च आखिरी सप्ताह में एक कैंप का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विकलांगों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए अजमेर के सभी विकलांगों और उनके करीबियों से उनका पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया है। ये पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है और मंगलवार यानी 27 फरवरी को सूचना केंद्र पर शाम 4 बजे से 7 बजे जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इस संदर्भ में कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। इस कैंप में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और वॉकर, कान की मशीन से लेकर कई अन्य उपकरण वितरित किए जाएंगे। 10 से 4 बजे तक जिले के समस्त दिव्यांग जो ऑनलाइन से शेष रह गए हैं या नहीं करा पाए हैं, वो आकर 10 से 4 बजे सूचना केंद्र में अपनी सूची एवं हमको अवगत कराएं, जिससे आगामी दिनों में अजमेर जिले में कोई दिव्यांग उपकरण के बगैर शेष नहीं रहे, यही हमारी जिले से प्रार्थना है। इस उपकरण के अंतर्गत ट्राईसाइकिल हैं, व्हीलचेयर हैं, कैलिपर्स हैं, टायर हैं, बेल्ट, शूज, कम सुनने वाले कान की मशीन है, बुजुर्ग छड़ी है, ब्लाइंड स्टिक है, वॉकर्स है। तो सभी से प्रार्थना है कि कल आकर अपना पंजीयन कराने। जो किशनगढ़ के लोगों ने किशनगढ़ के संपार रेलवे फाटक संख्या 29 पर बन रहे अंडरपास को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों की मांग है कि अंडरपास पर लगने वाले ब्लॉक का साइज बढ़ाया जाए। लोगों का कहना है कि ये मार्ग शहर के बिजी मार्गों में से एक है, इसलिए इसको अधिक सुविधाजनक बनाने की जरूरत है। हमारे किशनगढ़ में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिसमें अंडरपास का काम चल रहा है। कृष्णापुरी में फाटक संख्या 29 है, उस पर अंडरपास का काम चल रहा है। रेलवे विभाग निर्माण ने उस अंडरपास के लिए जो ब्लॉक लगाए आने जाने के, वो तो उन्होंने 2 ब्लॉक लगाए हैं 4 मीटर बाई 5 मीटर, लेकिन जब शेष भाग का जो 2 ब्लॉक और लगने हैं, वो DFC जो है 4 मीटर बाई 2.5 मीटर ऊंचाई कम करके लगा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश हुआ। वहाँ की क्षेत्रीय जनता में ये आया कि यहाँ हजारों की 50,000 की आबादी है, हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और आना जाना है, अग्निशमन है। मत तो हमने इस बात को उनसे बात की थी, यहाँ हमारे किशनगढ़ SDM है टीना डाबी IAS, उनसे भी बात की थी, फिर आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि आपके द्वारा जो ये जो वहाँ पे जो निर्माण हो रहा है DFC द्वारा, उसको आप रोकें और उनको ये पाबंद करें, जयपुर रेल मंडल प्रबंधक को और DFC को, कि वहाँ पे इतनी ऊंचाई, पर्याप्त ऊंचाई जो रेल विभाग ने बनाई है, वैसा ही समकक्ष वो आगे का जो बनाना है वो बनाए। यूनिवर्सल प्रीमियर लीग का खिताब फिरासत दबंग ने जीत लिया है। फाइनल में इजियान लॉयंस को हराकर चैंपियन बनी फिरासत दबंग को 51,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। यूनिवर्सल प्रीमियर लीग का रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ ही समापन हो गया। ये टूर्नामेंट पिछले कई दिनों से चल रहा था। रविवार को हुए फाइनल मुकाबले में फिरासत दबंग ने इजियान लॉयंस को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। विजयी टीम को 51,000 रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा गया और रनर अप टीम को 25,000 की इनामी राशि भेंट की गई। पहला विनर अप 50,000 जो मेरी तरफ से दिया जा रहा है, सैफुल रफीक की तरफ से, जो पहले जो दे रहे थे मुबारक अली और सनी, वो नट गए। तो एंड टाइम पे क्या कारण था सर नट गए? कारण तो कुछ पता नहीं चला क्या कारण था, वो नट गए। तो चक्कर में फिर मैंने अनाउंस कर दिया कि मेरी तरफ से है। आज जो सर फाइनल हो रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हो अजमेर वासियों को? भाई ऐसे मैच होते रहे, ऐसे मैच होना चाहिए, बच्चे खेल से जुड़ना चाहिए, खेल को अच्छा मिलना चाहिए, बच्चे इस खेल से जुड़ेंगे तो नशे वशे से दूर रहेंगे, फिट एंड हेल्दी रहेंगे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब फैयाज को दिया गया।
इसके अलावा बेस्ट बल्लेबाज और गेंदबाजी के अलावा भी कई पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहकर फिट रहने का संदेश देना था और आयोजनकर्ताओं को विश्वास है कि मैदान पर फिरासत दबंग टीम की जीत के साथ ही उन्हें भी अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रेलवे ने किया क्विज कंपटीशन का आयोजन।